रसोमेनिया 39 कन्फर्म्ड मैच कार्ड। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो समझ जाइए आपने रसोमेनिया 39 का पूरा कार्ड 101% जान लिया। तो बने रहे इस वीडियो के साथ। तो सबसे पहला जो मैच रसोमेनिया 39 के लिए वो ऑलमोस्ट कन्फर्म्ड है, वो है दी उसोस वर्सेस केविन ओवेंस एंड सैमी जेन। और सैमी जेन का जो पत्ता है रोमन रेंस के साथ एंड हो चुका है और इन दोनों का मैच अब रसोमेनिया में सेट होने वाला है। और जो हमारा नेक्स्ट मैच होने वाला है वो है टैग टीम चैंपियनशिप के लिए शेना बेजलर एंड रोंडा राउजी वर्सेस डैमेज कंट्रोल के बीच। ये भी मैच जहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो अंदर के लोग हैं वो इस मैच को देखना चाहते हैं और ये मैच आपको रसोमेनिया में जरूर देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो मैच होने वाला है वो है ब्रे वायट वर्सेस अंकल हाउडी। ये मैच तो 101% कन्फर्म्ड है कि ये मैच होगा ही रसोमेनिया में और ब्रे वायट इसी मैच के साथ जाने वाले हैं रसोमेनिया। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा स्पॉइलर है रसोमेनिया 39 के लिए। और जो नेक्स्ट मैच है ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस कैरियन क्रॉस, ये दोनों फोर्सेस जहाँ पर टकराएंगे रसोमेनिया में और दोनों की डायरेक्शन कोई नहीं है और दोनों का जो मैच जहाँ पर सिंपली दोनों को मैच करवा सकती है डब्ल्यूडब्ल्यूई रसोमेनिया 39 में। और जो नेक्स्ट मैच है वो है बैकी लिंच वर्सेस बेली के बीच और ये मैच भी डब्ल्यूडब्ल्यूई इस फ्यूड को भी रसोमेनिया में एंड कर सकती है और ये मैच भी आपको रसोमेनिया 39 में ऑलमोस्ट लॉक है, ये रसोमेनिया 39 में देख के उनको मिलेगा ही मिलेगा। और नेक्स्ट मैच है ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लेसली के बीच, इन दोनों के बीच एलिमिनेशन चैम्बर में भी मैच होगा और ये रसोमेनिया तक ये फ्यूड तो जाने ही वाली है, ये तो बिल्कुल कन्फर्म्ड है। और रसोमेनिया जो आखिरी मैच होगा जहाँ पर इन दोनों के बीच और ये फाइनली ये फ्यूड एंड हो जाएगी रसोमेनिया 39 के लिए। और जो अगला हमारा मैच है ये भी कन्फर्म्ड है जॉन सीना वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी और जॉन सीना सीधा रसोमेनिया में आएंगे, ना कि किसी रॉ में स्मैकडाउन कहीं पर भी नहीं आएंगे, सीधा वो रसोमेनिया में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये भी मैच कन्फर्म्ड है और ये मैच भी आपको रसोमेनिया 39 में देखने को मिलने वाला है। और जो हमारा नेक्स्ट मैच होने वाला है वो है बियांका बेलेयर वर्सेस आस्का और आस्का एलिमिनेशन चैम्बर मैच जीतने वाली है ऐसा जहाँ पर स्पेकुलेशन है और ये मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई करने वाली क्योंकि आस्का का न्यू करेक्टर है और इसी वजह से और बहुत ही बड़ा वो हील टर्न जहाँ पर करने वाली हैं। और हमारा जो नेक्स्ट मैच होने वाला है वो है रेट आर सुपरस्टार एज वर्सेस डीमन फिन बैलर के बीच हेलेना सेल मैच और जिसके भी प्लान्स बहुत टाइम से चल रहे हैं कि ये मैच रसोमेनिया में देखने को मिलेगा और जहाँ पर ये हेलेना सेल वाली स्टिपुलेशन के बीच हो सकता है, अगर ये मैच होता है तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा अगर डीमन बड़ा करेक्टर वापस आता है तो। और जो फादर वर्सेस सन का मैच है ये भी लॉक है रसोमेनिया 39 के लिए और निकली फ्यूड जहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है और ये एंड करेगी रसोमेनिया 39 में जब फादर वर्सेस सन का मैच होगा और ये मैच देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि कौन जीतेगा और कैसा ये मैच जाता है। और हमारा नेक्स्ट जो मैच होने वाला है ये भी ये तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियली कर दिया है चार्लेट फ्लेयर वर्सेस रिया रिपली के बीच और देखते हैं कि ये मैच किस तरीके का होता है, पहले भी ये मैच रसोमेनिया में हो चुका है। और जो अगला मैच है हमारा ये भी बहुत ही ज़्यादा कन्फर्म्ड है जो है ट्रिपल थ्रेट मैच गुंथर वर्सेस शेमस एंड ड्रू मैकइंटायर, क्योंकि इन तीनों की भी डायरेक्शन कोई ज़्यादा नहीं है और दोनों और तीनों का मैच हो सकता है रसोमेनिया 39 के लिए। और जो हमारा अगला मैच है ये भी कन्फर्म्ड ही लग रहा है कि लोगन पॉल वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच और इन दोनों के बीच जो है ऑनलाइन जो फाइट चल रही है ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और जो हमारा फाइनली हमारा मेन इवेंट रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, तो ये था रसोमेनिया 39 का 101% कन्फर्म्ड मैच कार्ड, यही मैच आपको देखने को मिलेंगे रसोमेनिया 39 के लिए। और इस चैनल को कर दें सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन ताकि आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई किस तरह की अपडेट्स नहीं मिलती रहे।